अरे चार पहर गौवन में हो गए, संजा बजे घर आए माँ। जब तुलसीदास जी गैया चरा के जैसे ही घर आए तो उन्हें अपनी पत्नी से मिलवे की इच्छा भई, और पत्नी का है मायके में हती। तो देखो आप, तुलसीदास जी सीधे गैया खिड़क में पेड़ के और ससुराल के लाजे चलते बने भाव का। अरे गौ में बछड़ा पेड़ खिड़क में, गौ में बछड़ा पेड़ खिड़क में, ले लठिया ससुरार हो माँ। ससुराल हो से चले। बीच में एक नदी पड़ती, और नदी बरसात को समय है, तो नदी दो ढियन जा रही थी भाव का। आगे नदिया अगम बहत है, आगे नदिया अगम बहत है, मोर राजा तो बहाए सोमाए मोरी, मोर राजा तो बहाए सोमाए मोरी, ले लठिया ससुराल हो। तुलसीदास जी ने समझी के कोनो पेड़ को ढूंढ बहुत जा रहा हूं। देखो आप, जब आदमी पत्नी के प्रेम में इतना अंध हो जाए, इतना अंध हो जाए, तुलसीदास जी वहां जो समझ में नहीं आई कि मुर्दा के ढूंढ आए, और वो मुर्दा को पकड़ के देखो आप। तुलसी जाने ढूंढ बहत है, तुलसी जाने ढूंढ बहत है, तुलसी जाने टूड़ बहत है, पैखों पकड़ पहले पार मा। अब साहब ससुराल पहुंच गए, गांव में पहुंच गए तुलसीदास जी, लेकिन रात के 12 बज गए थे, सब दरवाजे बंद हो गए थे, महल के दरवाजे बंद होते। तुलसीदास जी चारों तरफ फिर आए, जब दरवाजे नहीं मिलो, घेर महल तुलसी फिर आए, घेर महल तुलसी फिर आए, दरवाजे ना पाए माँ। घेर महल तुलसी फिर आए,
दरवाजे ना पाए हो मां। तुलसीदास जी के लाजे अंदर जावे क्यों से व्यवस्था नहीं है, क्यों से जब दरवाजो नहीं मिले। महल के पीछे एक खिड़की हती और वो खिड़की के ऊपर नाग लटक रहो तो सांप लटक रहो तो तुलसीदास जी ने समझी कौन रस्सा लटक रहो धाव का खिर कन ऊपर नाग लटक रहे खिर कन ऊपर नाग लटक रहे बैखों पकड़ चढ़ जाए सो माए मोरी बैखों पकड़ चढ़ जाए सो माए मोरी ले लठिया ससुराल हे मैया ले लठिया ससुराल हे मैया तुलसीदास जी के भजन पे खुश हो गए हमारे दोस्त हमारे मित्र भाई पवन नागर बस्तूनी पवन नागर बस्तूनी और भाई राहुल नागर मामली राजस्थान और भाई अवतार सिंह लोधी जो कि हमारे भतीजे हैं हसर्रा वालों की तरफ से ये सौ मुद्राओं का आशीर्वाद तीनों दोस्त मिलकर के पहुंचा रहे हैं। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया पवन नागर जी राहुल नागर जी और भैया अवतार सिंह लोधी बहुत बहुत धन्यवाद। अब साहब तुलसीदास जी उन नांखों पकड़ के महल के अंदर हो गए। रात थी तुलसीदास जी की पत्नी सो गई थी। तुलसीदास जी की पत्नी को नाम है तो रत्नावली। रत्नावली सो रही थी और जैसे ही अचानक तुलसीदास जी पहुंचे रत्नावली की नींद जैसे ही खुली और रत्नावली देखो आप तुलसीदास जी को देख के घबरा गई कि इतने टाइम जी कहां से आ गए। उनने पूछी आप कैसे। तुलसीदास जी बोले हमें आपके बिना रो नहीं गो हम सीधे चले आए। रत्नावली बोली जितनो प्रेम आपने हमसे करो अगर इतनो प्रेम भगवान से करते तो आपके जीवन को उद्धार हो जाता। देखो आप तुलसीदास जी को उतई से ज्ञान जागे उतई से आत्मा जाग गई और भाव का बोली रत्नावली जैसी प्रीत तुम हमसे लगाई स्वामी जैसी प्रीत तुम हमसे लगाई स्वामी हरि से काहे ना लगाई माँ। बोले इतनों प्रेम अगर भगवान से करते तो बेड़ा पार हो जाता। लेकिन भाव का तुलसीदास जी ने जैसे ही ऐसे वचन सुने ए तू तिरिया मोरी धर्म की माता तू तिरिया मोरी धर्म की माता तूने मोहे ज्ञान बताए हो मैया ले लठिया ससुराल हो मैया ले लठिया ससुराल हो मैया ले लठिया ससुराल हो।
देखिए जैसे ही पत्नी ने ऐसी बात कही तुलसीदास जी के अंदर आत्मा जागी और उतने से तुलसीदास जी ससुराल की दैरी के पांव पर के सीधे भगवान के भजन में रम गए। और भाव का तुलसी तुलसीदास बन गए, तुलसी तुलसीदास बन गए, तुलसी तुलसीदास बन गए, जिनने लिखी रामायण मा ए माई के भुवन खाते पर कम्मा जय बोलो हे राज हो खेरक में ले लठिया ससुराल हो भैया।